अब देखिए, सबसे पहली चीज शॉर्टकट्स के लिए कुछ तो आपको पता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हम कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं। बाकी फिर भी अगर जानने हो तो जैसे ही माउस का कर्सर आप किसी भी ऑप्शन पे लेके जाते हैं तो एक स्क्रीन टिप आती है, जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल वी दिखा रहा है, ठीक है जी। कुछ ऑप्शंस के लिए इस तरह से शॉर्टकट्स इसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है जी। बट कुछ ऑप्शंस पे हमारे शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि मुझे बॉर्डर में जाना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं दिखा रहा। मर्ज इन सेंटर करना है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं दिखा रहा है मुझे, ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे, एक दूसरी तरह के शॉर्टकट्स इसमें चलते हैं जिसको ऑल्ट की से ऑपरेट किया जाता है। हमारे पास ऑल्ट की होती है कीबोर्ड में, ऑल्ट की विंडो की के बगल वाली की होती है, जे वाली, ठीक है जी। तो जब आप ऑल्ट की को एक बार दबाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट की को एक बार दबाया था एक्सेल में, तो क्या हुआ, हर एक टैब पे ये लिखा हुआ आ गया मेरा कुछ, ठीक है जी। तो कोड्स लिखे हुए आ गए, ये कीवर्ड्स। तो मैं बात कर रहा था जैसे मुझे बॉर्डर में जाना है, तो बॉर्डर में जाने के लिए पहले माउस से मुझे होम में जाना पड़ता है, फिर बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि तो जगह होम मैप्ड में। तो इसी तरह से कीवर्ड इन कीवर्ड्स को यूज किया जाता है। मैंने ऑल्ट दबाया, होम टैब के ऑप्शन अगर एक्टिवेट करने हैं तो मुझे एच दबाना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ एच शो कर रहा है। एच जैसे ही दबाया मैंने, बाकी के ऑप्शन भी आ गए, ठीक है जी। हर एक के नीचे कुछ ना कुछ कीवर्ड आ गया। तो बॉर्डर के नीचे क्या आ रहा है, बी, ठीक है जी। ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या है यहाँ पे, ए, ठीक है जी। तो इससे मुझे पता लगा कि अगर मैं शॉर्टकट यूज करना चाहूं तो ऑल्ट की दबाऊंगा, फिर एच बी ए बॉर्डर्स के लिए, ठीक है जी। इसी तरह से मुझे अगर मर्ज करना है, मर्ज इन सेंटर, मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट की दबाया, होम के अंदर ही जाना है, एच, मर्ज सेंटर के लिए एम है, और मर्ज सेंटर का जो ऑप्शन है उसके लिए सी। तो शॉर्टकट क्या बना, ऑल्ट एच एम सी, ऑल्ट एच एम सी। ऑल्ट की को इसमें दबा के नहीं रखना है, एक ही बार प्रेस करके छोड़ देना है बस, और फिर अपना जो भी कीवर्ड्स है उनको बारी बारी दबाते जाइए। जैसे अनमर्ज के लिए क्या है, ऑल्ट एच एम यू। तो इस तरह से जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि मतलब स्पीड में काम कैसे किया जाता है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ देना पड़ता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मर्ज इन सेंटर जैसे मैंने किया, तो अनमर्ज करने के लिए ऑल्ट एच एम यू, दोबारा से ऑल्ट एच बी ए। तो इस तरह से मैं इन शॉर्टकट्स को ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे डाटा में मुझे जाके फिल्टर लगाना होता है, क्या यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ डाल लेता हूँ तभी फिल्टर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ फिल्टर लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट डाटा के लिए क्या है, ए, देन फिल्टर के लिए टी, तो ऑल्ट ए टी इसका शॉर्टकट हो गया, ठीक है जी। जैसे कभी फिल्टर खोलना है तो इस पे यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ना, ऊपर आ गए इस पे, तो ऑल्ट दबा के डाउन एरो की दबाएंगे तो फिल्टर के ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से शॉर्टकट्स होते हैं कुछ हमारे, मतलब इन शॉर्टकट्स को आप यूज कर सकते हैं। एक टाइप हो गया ये ऑल्ट वाले शॉर्टकट्स। अब दूसरा एक और टाइप के शॉर्टकट्स होते हैं जिसमें हम डायलॉग बॉक्स ऑपरेट करना सीखते हैं। जैसे कि ये नंबर टैब होता है और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलता है, ठीक है जी। इनको कुछ अलग तरह से डील किया जाता है, कैसे, कंट्रोल दबा के रखते हुए जब आप टैब दबाते रहेंगे बार बार, तो क्या होगा, ये आपका
स्विच करना शुरू होगा टैब के बटन लो। ठीक है, टैब नेविगेशन के लिए कंट्रोल दबा के रखते हुए आपको वन बाय वन टैब दबाना है। ठीक है, रिवर्स में जाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा लीजिए और टैब को रिवर्स टैब को दबाते रहिए तो ये रिवर्स में जाएगा। ठीक है, अब अलाइनमेंट पे आ गए हम। अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन यूज करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रैप टेक्स्ट। मान लीजिए रैप टेक्स्ट यूज करना है तो रैप टेक्स्ट को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन कैरेक्टर अंडरलाइन है हर एक ऑप्शन पे। तो जैसे रैप टेक्स्ट में W अंडरलाइन किया हुआ है, श्रिंक टू फिट में K अंडरलाइन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में Z अंडरलाइन किया हुआ है, डिग्री में T किया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल में H किया हुआ है, तो इनमें मुझे अगर कुछ यूज करना है तो इसमें मुझे ऑल्ट की दबा के रखनी, यहां मुझे ऑल्ट की दबा के रखनी पड़ेगी और तब वो कैरेक्टर दबाना पड़ेगा जैसे W। तो रैप टेक्स्ट आ गया, दोबारा दबाया हट गया। श्रिंक टू फिट करना है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए के। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाना है ऊपर वाले में, इसमें तो ऑल्ट दबा के रखते हुए एच। अब ये जो है मेरे एरो की से चलेंगे, ये लिस्ट जो है एरो की से चलेंगे। हालांकि इसमें क्या होता है कि कई बार आप जैसे जस्टिफाई करना है तो इनका पहला कैरेक्टर भी दबा सकते हैं इस तरह के लिस्ट में। जे जैसे लेफ्ट करना है तो एल दबा दिया, सेंटर करना है सी दबा दिया। ठीक है जी, तो ये भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपने दिया एंटर दबा के तब क्या करेंगे, यहाँ पे ओके का बटन है जिसके आगे ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया का मतलब होता है ये बटन आपका एंटर पे एक्टिवेटेड है। तो अगर आपको ओके करना है आप क्या दबाएंगे, मान लीजिए आपको विदाउट सेव के बाहर जाना है कैंसिल दबाना है तो एस्केप दबाएंगे कीबोर्ड से, एस्केप का बटन दबाएंगे। और डायलॉग बॉक्स आपको समझ में आया कि कंट्रोल टैब से हम और ऑल्ट की दबा के रखते हैं, काफी सारे ऑप्शन और एंटर से मैं ऑल्ट की कर देता हूं, ऑल्ट एफ ऑल्ट एफ डब्ल्यू इंटरव्यू में गया। अब मुझे प्रिंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ऑल्ट इस तरह से आया, अब ये डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स को मैं जैसे मतलब आप इन सब चीजों की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ बहुत इसी तरह से एक्सेल के साथ साथ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे थे तो बहुत पहले उस टाइम 98 से अंदर गिर के हम लोग वगैरह पे भी कंप्यूट हो गए। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि विंडोज 7 में कुछ शॉर्टकट्स जो है हर विंडोज के साथ बदल जाते हैं, तो बेटर ये है कि आप विंडोज के शॉर्टकट जानें। और आपको पता कैसे पड़ेगा कि किसके साथ क्या शॉर्टकट आए, तो अभी जो मैंने आपको सैंपल दिखाए शॉर्टकट अगर फुल लिस्ट चाहिए आपको तो कहाँ मिलेगी। F1 की को ध्यान में रखिए, तुम्हारे यहाँ पे नहीं F1 की को जैसे दबाएंगे तो आपके सामने हेल्प खुल जाएगी, इसमें डालेंगे कीबोर्ड शॉर्ट इसमें आ जाता है एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन। अब इस पर क्लिक करेंगे तो
ये आपको फुल इसमें मिल जाएगा, कंट्रोल के साथ कौन कौन से शॉर्टकट्स चलते हैं, क्या मतलब होता है। F1 F2 कितना शॉर्टकट करते हैं, एरो की से सिलेक्शन क्या क्या है, हर एक बटन के अलग अलग, ठीक है, इसमें आपको काफी मदद मिल जाएगी शॉर्टकट। ये तो रही एक्सेल, पर विंडोज के भी शॉर्टकट जरूरी है। अब जैसे मुझे खोलना है क्रोम, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट होगा, अभी ये आप लोगों को नहीं पता होगा, क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट है विंडो के साथ, एक्सेल पे वापस जाना है तो कौन सा होगा, विंडो के साथ फाइल, क्यों फाइल, कहाँ से इंडेक्स पोजीशन तक गिनते जाना चाहे आप वहां पे, जैसे पहले नंबर पे आउटलुक, तो विंडो का बटन दबा के बंद दबाए, तो मैं विंडो का बटन दबा के यहाँ पे, अब ये सब मुझे कहाँ से करना पड़े, सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर लीजिए अपना विंडो में। अब डेस्कटॉप पे आके F1 दबाइए यहाँ से, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लीजिए, इसमें जो आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे कि पुराने वाले वही होंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट, विंडो लोगो की के शॉर्टकट देखिए, इसके काफी सारे नए शॉर्टकट आए हैं, जैसे शो डेस्कटॉप के लिए विंडो D यूज करते थे, तब तो विंडो की के साथ ही बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बाकी और भी शॉर्टकट्स हैं आप उनको देख सकते हैं। डायलॉग बॉक्स के जो मैंने शॉर्टकट बताए वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। जनरल कीबोर्ड के क्या शॉर्टकट, बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी शॉर्टकट्स के रिगार्डिंग, ठीक है जी। देन अब चलते हैं कस्टमाइजेशन की तरफ, हमने देख लिया कि अपना शॉर्टकट्स कैसे लगाते हैं, अब कस्टमाइज कैसे करना है इसको, एक्सेल को कस्टमाइजेशन क्यों करते हैं हम, कई बार कुछ दिक्कतें एक्सेल में आ जाती हैं जो हमें नहीं पता होती कहाँ से आ रही हैं क्या आ रही हैं, तो उनको ठीक करने के लिए कस्टमाइजेशन की नॉलेज होना जरूरी, और काफी सारे कामों में हमारी हेल्प भी करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो एक्सेल की शीट है बाय डिफॉल्ट ही 6 शीट दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट साइज 12 दिखा रहा है, तो ये मैंने सेट करके ऑलरेडी रख रखा है, ठीक है। तो इसको हम सेट कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट सेट करना वगैरह ये सब, तो एक्सेल ऑप्शंस के लिए कहां जाते हैं, ऑफिस बटन के एक्सेल ऑप्शंस याद है, सबसे पहला चीज है पॉपुलर टैब, ये हर एक टैब्स में अलग अलग हमारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले पॉपुलर टैब के ऑप्शंस देखते हैं, एक आपने टूल बार देखी होगी, हालांकि इसको लोग यूज कम करते हैं, बट जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया वैसे एक छोटी सी टूल बार बन के आ गई बोल्ड इटैलिक करने के लिए, ये मान लीजिए आप इसको बहुत यूज करते हैं और कई बार नहीं आ रही है अपीयर ही नहीं हो रही, तो कहां से इसकी सेटिंग है कहां पे, तो वहीं पे है एक्सेल ऑप्शन के पॉपुलर टैब में शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, तो ये मेनू टूल बार होती है, मान लीजिए यहां से अनचेक है और ओके हो रखा है, तो इसमें आप कितना भी सिलेक्ट करके कोशिश करें वो चीज नहीं आएगी, ठीक है जी। और इसको मैं यहां से इनेबल कर देता हूं, अब टिक कर दिया मैंने, तो अब टाइप करूंगा और सिलेक्ट करूंगा तो यहां आ गई, ठीक है जी। दूसरी चीज होती है कि लाइव प्रीव्यू, फीचर आया था हमारे लाइव प्रीव्यू का, होते हैं जब भी हम कोई भी सेटिंग क्लिक करते हैं, अभी हमने क्लिक नहीं किया है पर ये हमको चेंजेस दिखा दे रहा है, तो ये ऑप्शन मान लीजिए किसी तरह डिसेबल हो गया, तो ये इनेबल कहाँ से होता है हमारा, इनेबल लाइव प्रीव्यू, अगर ये अनचेक होगा तो नहीं चलेगा,
मान लीजिए अनचेक है तो आप किसी में भी जाइए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं दिखा। दूसरा मैक्रो के लिए, जैसे मेरे पास आपको दिख रही होगी एक डेवलपर बार, ये मैक्रो के लिए मैं यूज करता हूँ VBA वगैरह के लिए, बट आप लोगों के सिस्टम में ये चीज नहीं है, तो इसको कहाँ से इनेबल करना है, तो वहीं एक्सेल ऑप्शन में इन्हें शो डेवलपर टैब इनेबल, ठीक है, यहाँ से क्लिक 2010 और 2013 के वर्जन में एक्सेल के ये चीज आपके कस्टमाइज के अंदर होती है, इस टैब के अंदर पे क्लिक करने का साइन है। दूसरा आप देख रहे हैं कि मेरी एक्सेल जो है नीले कलर में है, इसका मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, सिल्वर में मान लीजिए करना चाहता हूँ, ब्लू सिल्वर ब्लैक तीन कलर होते हैं, तो सिल्वर में हो गए, ठीक है, एक्सेल की लुक एंड फील चेंज हो जाती है। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया कि शॉर्टकट्स जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इन पे जाते हैं, कई बार क्या हो रहा है कि आपकी स्क्रीन टिप आ ही नहीं रही है, तो आपको शॉर्टकट कहाँ से पता पड़ेगा, तो इसके लिए जी इसकी सेटिंग यहाँ होती है स्क्रीन टिप स्टाइल में, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप और डोंट शो स्क्रीन टिप। कई बार मान लीजिए ये सिलेक्ट हो गया डोंट शो स्क्रीन टिप, तो आपको स्क्रीन टिप नजर नहीं आएगी, ठीक है जी। दूसरा मैं बात कर रहा था डिफॉल्ट सेटिंग करने के बारे में, एरियल का फॉन्ट 12 का साइज और 6 शीट्स, वो सेटिंग यहां से होती है, कोई भी फॉन्ट आप डिफॉल्ट यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज व्यू कौन सा सिलेक्ट करना है, तीन तरह के व्यूज होते हैं, नॉर्मल पेज ब्रेक पेज लेआउट व्यू, तो व्यू नॉर्मल व्यू, कितनी शीट्स स्टार्टिंग में लानी है, आप 255 तक शीटें यहां इंक्लूड कर सकते हैं, उतनी आपकी डिफॉल्ट चलेगी, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने 6 शीट कर रखी है यहां 12 का वेरिएबल का फॉन्ट, वहां से चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि मैं एक चीज कर रहा हूं, यहां पे नाम लिखा मैंने और ड्रैग किया तो काफी सारे नाम और आ गए, एक सिटी लिखी यहां काफी सारे नाम और आ गए, तो ये कैसे कर पा रहा हूं, कोई प्रोडक्ट लिखा ये नाम और आ गए इसमें, हाँ जी ड्रैग ही कर रहा हूं, तो वो लिस्ट जिनको मैं बार बार यूज करता हूं ऐसी लिस्ट को मैं कस्टम लिस्ट के अंदर सेव कर सकता हूं। एक्सेल ऑप्शन में पॉपुलर में एडिट कस्टम लिस्ट है, ठीक है, 2010 और 2030 में ये भी एडवांस में ही मिलेगा आपको, पर यहां पे एडिट कस्टम लिस्ट है। इसमें क्या करना होता है कि आपके पास कोई लिस्ट है, इसमें जैसे जनवरी फरवरी हमें कोई लिस्ट टाइप बनाने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही होती है, तो इसीलिए डिसेबल है, आप इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। पर इसके नीचे देखें कि मैंने नाम वाली लिस्ट जैसे संदीप हरीश मयंक जो भी, और ये सिटी वाली लिस्ट ये मैंने ऐड की है, यहां से मैं डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ, यहां से कोई भी एडिट कर सकता हूँ इसमें, ठीक है जी, मैंने एडिट कर दिया इसके अंदर, या कहीं पड़ी है लिस्ट तो मैं इस एरो पे क्लिक करके कहीं लिस्ट पड़ी है उससे करके इंपोर्ट करूंगा तो वो लिस्ट यहाँ आ जाएगी, फिर ऐड कर दूंगा तो वो लिस्ट मैं इसमें यूज कर सकता हूँ ड्रैगिंग में। तो सिटी में जैसे मैंने किया था पलवल, और उसको मैंने जब ड्रैग किया तो इसमें मैंने रोहतक और ऐड किया था, तो ये आ गया, ठीक है जी, नई लिस्ट उसमें बना सकते, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं उसके अंदर फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में कई बार क्या होता है कि
मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ लिख रखा है और सम कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है जी। अब फॉर्मूला का बिहेवियर क्या है कि जब मैं कोई भी इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला की कैलकुलेशन यहाँ होती है। बट किसी तरह से ये फीचर चल नहीं रहा है, क्या होता क्या है असल में कि इस फॉर्मूला के अंदर ये वर्कबुक की जो कैलकुलेशन है ये कई बार मैनुअल हो जाती है। तो मैनुअल के केस में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है जी, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह की एरर अगर आती है तो एक्सेल ऑप्शन में फॉर्मूला टैब के अंदर आप उसको ऑटोमेटिक पे वापस सेट कीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप करेंगे तो इसमें चेंजिंग दिखा रहा है, ठीक है जी। ये ऑप्शन आपका जो कैलकुलेशन का है फॉर्मूला टैब के अंदर भी होता है। फॉर्मूला टैब खोलेंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल, कहीं कोई डेटा टेबल यूज कर रहे हैं, अभी आपको डेटा टेबल कॉन्सेप्ट नहीं पता, बट जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो तब उसमें इसमें क्या होगा कि डेटा टेबल के एक्सेप्ट डेटा टेबल ही मैनुअल कैलकुलेशन होगी, बाकी सब जगह ऑटोमेटिक रहेगी, ठीक है जी। बट लोग मैनुअल मोड में भी काम करते हैं, क्यों करते हैं मैनुअल करके क्यों करते हैं? मान लीजिए मैंने लाखों फॉर्मूले अपनी शीट में लगा रखे, तो जब कैलकुलेट करती है शीट, जिस तरह से आप यहाँ पे जल्दी कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जैसे ही कोई चेंज करते हैं शीट में तब कैलकुलेट करता है। तो जब जहां लाखों फॉर्मूले लगे हैं तो वहां बहुत देर लगाता है कैलकुलेट होने में। तो हम कहते हैं कि पहले हम अपना काम कर लेते हैं उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। कैलकुलेट के ऑप्शन भी है यहाँ पे, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, ठीक है जी। मैनुअल मोड में क्या करना होता है कि जब कोई चेंज करें उसके बाद जब हमें चेक करना हो तो कैलकुलेट नाउ करते हैं तो वो कैलकुलेट कर देता है, ठीक है जी। तो जब आप हैवी शीट्स और हैवी फॉर्मूला से वर्क कर रहे हैं तो मैनुअल मोड में काम कर सकते हैं। मोस्टली इसकी जरूरत आपको पड़ती है मैक्रोज में, ठीक है जी, क्योंकि मैक्रोज में हर इंस्ट्रक्शन हजारों इंस्ट्रक्शन हम एक ही बार में एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें हर इंस्ट्रक्शन के साथ कैलकुलेट होता है, तो इस कारण मैक्रो की स्पीड कई बार स्लो हो जाती है। तो उस केस में हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको मैनुअल सेट कराते हैं जितनी देर मैक्रो चलता है, और जैसे ही मैक्रो खत्म हुआ फिर ऑटोमेटिक पे करवा देते हैं स्पीड तेज करने के लिए, ठीक है जी। देन आपने सर्कुलर रेफरेंसेस के बारे में सुना होगा, कई बार क्या एरर क्या होती है सर्कुलर रेफरेंस क्या होते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, मैंने कहा कि ऊपर जो रेफरेंस है उसमें 10 प्लस करो, ठीक है जी। हालांकि अभी ऊपर कुछ नहीं है, पर ऊपर में मैंने फिर उल्टा दे दिया कि जो नीचे जो रेफरेंस है उसमें 10 प्लस करो, ठीक है जी। अब तो ये फंस गए ना आपस में, तो इस तरह की एरर आ जाती है आपकी, सर्कुलर रेफरेंस इस तरह का निशान बन जाता है, क्योंकि वो उन दोनों की डिपेंडेंसी आपस में बन जाती है। इस तरह के केस में सर्कुलर रेफरेंस इसको कहते हैं। आपके पास फॉर्मूलाज के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप इसको इनेबल कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 50 बार तक फॉर्मूला चल सकता है, ठीक है जी, मैक्सिमम इटरेशंस, ओके। तो इसने 50 बार ये फॉर्मूला रन किया है, मतलब डिपेंडेंसी आपस में एक लूप हो गया है इनके बीच में। मैं सेट कर सकता हूं कि कितनी देर कितनी बार उसे चलना चाहिए, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, साइंटिस्ट लोग ऐसा करते हैं या प्रोग्रामर्स वगैरह, पर मैं बता दे रहा हूं कि इसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैं वापस इसको कर दिया और वापस इसने एरर दिखाई मुझे, अब मैं इसे रिमूव कर दूं। अब एक और चीज देखते हैं कि रेफरेंस स्टाइल, एक होता है इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस और एक होता है रिलेटिव रेफरेंस।
एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, जहां किसी की पोजीशन फिक्स होती है। अगर मैं इक्वल टू करके इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं तो फिक्स है कि इसका नाम A1 ही रहेगा, ठीक है जी। A1 कैसे है, A इसका कॉलम का नाम और 1 रो का नाम, या जहां ये दोनों मिलेंगे वो इसका एड्रेस हो गया। अब मैं चाहे यहां से यूज करूं तो भी फिक्स रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, यहां से यूज करूं तो भी A1 ही ये रहेगा, ठीक है जी। तो एक्सेल फॉलो करता है दो तरह के रेफरेंसिंग स्टाइल, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस कहां होता है, एक्सेल ऑप्शन फॉर्मूला में R1C1 रेफरेंस स्टाइल। R1C1 का मतलब है रो 1 कॉलम 1, ठीक है जी। अब इस रेफरेंस स्टाइल में क्या होगा, ऊपर से ABCD खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 आने लगेगा, रो में भी 1 2 3 4, कॉलम में भी 1 2 3 4, ठीक है जी, यहां पे 1 2 3 4 आ। अब क्या है कि रिलेटिव में क्या करता है कि अपनी पोजीशन से और वो की पोजीशन क्या है उस हिसाब से एड्रेस बनाता है। जैसे मैं इक्वल टू दबा रहा हूं और ये मैंने सेल सिलेक्ट किया या नीचे वाला सिलेक्ट किया, इधर वाला कर, तो ये कह रहा है कि रो सिक्स कॉलम टू। रो सिक्स कैसे हुआ, मैं इसको वापस चलता हूं, कॉलम 1 हो गया, कॉलम ब्लैंक हो गया, यानी कि 0। तो कॉलम में इंक्रीमेंट करूंगा तो 1 आ गया, 2 पहला 0 होता है, 1 2 से माइनस में रो माइनस 1 कॉलम भी माइनस 1, तो मतलब इसका जो कैलकुलेट, यहां से इसको वापस साइज मैंने अभी आपको बताया कि आपका यूज होता है DBA। DBA में आप उसी मेथड पे काम करते हैं। वापस इसको हटा दे रहा हूं, नॉर्मल कर रहा हूं, बाकी ये भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस तो करें, बट एक ऑप्शन के बाद उस ऑप्शन को जरूर कर लें, जैसा होता है देखा। हेलो, अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं उसका। हेलो, हाँ जी, हेलो, यस सुशील हियर, टेल मी। हाँ जी सर, अभी क्लास चल रही है, आप इसको अटेंड कीजिए, फिर मैं आपको इसके रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ, ठीक है जी। आवाज आ रही है ना मेरी, स्क्रीन दिख रही है? या योर नेम इज नेहा, हाँ, but Neha, why you didn't pick the call, because my friend also frustrated that time your phone was switched off that time. Hello sir, please mute that. मैं अभी ऑप्शन के बारे में बता रहा था, फॉर्मूला ऑटो, ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जब मैं कोई फॉर्मूला डालता हूँ भी तो एक लिस्ट आती है ना, ओके, और टैब जैसे ही दबाता हूँ मैं कोई किसी भी हाईलाइटेड फॉर्मूला पे, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर खुल जाता है। नो, आई डिडंट गेट फॉर व्हिच प्रोसेस। अगर ऑटो कंप्लीट में कोई एरर आ रही है या नहीं आ रहा है, इट्स लाइक इधर से हेलो फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, चीजें हैं।
क्या होता है कि आप जब जैसे कोई आप टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट नंबर वगैरह एंटर करते हैं तो जो स्टार्ट है वो तो आता नहीं। हम क्या करते हैं, सपोर्ट को ऑफ कर फाइल करते हैं, सपोर्ट को ऑफ ऑफ एस जो होता है वो लगा के हम कोई भी वेक्टर डालते हैं। बिकॉज अगर हम वैसे भी तो डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें एरर दिखाता है। एरर क्या दिखा रहा है, ये जीन से निकलता है, क्लिक करेंगे तो आपको जीन एरर दिखाएगा, क्योंकि एरर में क्लिक करने से ये बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। नंबर स्टोर्ड एज करेक्ट नंबर, नंबर आपने इससे क्लिक कर दिया फिर नंबर पर कन्वर्ट कर देगा। फिर एरर दिखाता है जो हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड एरर, कौन सा कलर दिखाना है उसमें भी आप दिखा रहा है कुछ कलर दिखा, दूसरा किस रूल पे दिखाना है, रूल भी आपके यहाँ पे है। अभी हमारा कौन सा दिखा रहा था, नंबर फॉर्मेटेड एज टेच और परसिडेड बाय एन अपोज के एरर, यहाँ पे कुछ उसके रूल है आप मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर एरर आ गया तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। देन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे रखी गलत, कैपिटल केस में की एक स्मॉल केस में, स्पेस 7 जो कि स्पेल चेकिंग के लिए होता है, इसमें आया कि डिक्शनरी का ऑप्शन आया, पहले मैंने इग्नोर कर दिया, इसका इसने मुझे दिखाया ही नहीं, क्यों नहीं दिखाया। अगर कैपिटल में आप एरर चेकिंग करना चाहते हैं डिक्शनरी आ जाते हैं, कैपिटल में यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्टेड होता है इग्नोर वर्ड इन अपर केस, तो अपर केस की स्पेलिंग नहीं चेक करते हैं। अगर आप चाहते हैं चेक करें तो यहाँ से चेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब मैं F7 दबाऊंगा तो ये मुझे ये भी दिखाएगा बड़े वाले के लिए, कैपिटल वाले के लिए दिखाएगा, ठीक है जी। देन क्या करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे साथ, मैं लिखना कुछ चाह रहा हूँ लिख कुछ और जाता है, ब्रैकेट में मैंने TM लिखना है और ब्रैकेट हटके ट्रेडमार्क का साइन आ गया। इसी तरह जब आप ऐसे ये सी लिखते हैं तो कॉपीराइट का साइन आता है, आर लिखेंगे रजिस्टर्ड का साइन आता है, तो कुछ ऐसे साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसी चीज, और जैसे मैंने SS लिखा, संदीप सिंह आ गया, तो जो इसकी कमजोरी थी मैंने उसको पावर की तरह यूज किया, उसको कैसे किया, क्या फंडा है मैं दिखाता हूँ। प्रूफिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ये सारा का सारा डील होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन से। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे TM उसका क्या बन रहा है, इसी तरह कॉपीराइट का देखेंगे तो उसका कुछ अलग बन रहा होगा तो हर चीज का। तो अगर आप नहीं चाहते कि कुछ इस तरह के चेंजेस करें तो रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप पे अनचेक करके ओके कर दीजिए, वो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है जी। अपना काम करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। जैसे मैंने देखा, आपने देखा कि जैसे मैंने ऐसे डबल एस दबाया तो सब कुछ चला गया, मैंने क्या किया वो इसमें ऐड करा दिया। अब मैंने कहा नहीं संदीप कुमार से, ठीक है जी, इसमें चेंज भी कर दिया। और नया ऐड करना है तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, ऐड कर दिया कस्टम डिक्शनरीज है, तो जैसे ही मैं TP टाइप करूंगा वो टाइप कर लूंगा, ठीक है जी। देन कई बार क्या होता है, मैं कोई भी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, अब ये हो जा रही है हाइपरलिंक में कन्वर्ट, और मैं जैसे ही क्लिक करने जा रहा हूँ तो मेल की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें हाइपरलिंक में कन्वर्ट ना हो,
उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करना चाहता हूँ। वहां से होगी स्क्रिप्टिंग में ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप सेकंड टैब में इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपर इसको ओके कर दीजिए। अब ये कन्वर्जन नहीं होगी काम करने के बाद दे सकते हो ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं अपना सेव के ऑप्शन पे। सेव के ऑप्शन में आप देखेंगे तो जब मैं सेव एज करता हूं अपनी फाइल तो मेरे पास आ रहा है डिफॉल्ट में एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। बहुत तरह के फॉर्मेट होते हैं अपने पास। जब 2007 लॉन्च हुआ था तो हम लोग तो ये 2007 पुराने वर्जन में चलता नहीं था तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया था हम लोग एक्सेल 97 2003 के फॉर्मेट में सेव किया ठीक है। इसी तरह से जब मैं मैक्रो की कोडिंग करता हूँ तो मुझे मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव कर क्यों क्योंकि मैक्रो की फाइल हो जाएगी अगर मैं नॉर्मल एक्सेल में सेव ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि क्यों ना इस फॉर्मेट को ही डिफॉल्ट कर दिया जाए। तो डिफॉल्ट कहाँ से होता है आप यहाँ सेव के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो फॉर्मेट चूज कर लेंगे वो डिफॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन इन एवरी 10 मिनट। कई बार क्या होता है कि आपकी एक्सेल शट डाउन हो गई अचानक से बिजली चली गई बंद हो गया तो एक्सेल का डाटा लॉस्ट नहीं होता है उसका डाटा बचा रहता है और आप जैसे ही खोलते हैं तो रिकवर फाइल के रूप में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाता है ठीक है। तो उसकी लोकेशन क्या होती है कहाँ सेव होती है कहाँ से आ जाती है वो इस लोकेशन पे सेव होती है इसको अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं। दूसरा कोई भी फाइल सेव करनी है तो आपकी हो रही है माई डॉक्यूमेंट पर मेरी होती है डेस्कटॉप पे डिफॉल्ट मैंने सेट कर वो कैसे करेंगे सीधा लोकल डिस्क में गया यूजर्स में गया और जो मेरा यूजर नेम है उसके डेस्कटॉप में गया यहाँ तक पहुंच गया ऊपर से मैंने पाथ कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। जो भी डिफॉल्ट रखना चाहते हैं वो पेस्ट कर फिर ऑटो रिकवर का एक ड्रॉबैक भी होता है कि हर 10 मिनट में ये सेव करता है। ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत बड़ी फाइल अगर आप खोल रहे हैं तो उस केस में क्या करेगा ये उस केस में क्या करेगा कि बार बार सेव करेगा तरह से फाइल हैंग हो तो आप क्या ना करें अपना थोड़ी देर के लिए जिससे आप काम करें तो अवेलेबल फाइल्स होंगी वो यहाँ आपको तो फाइलें खुली होंगी तो वो खाली ओपन वर्कबुक के लिए होता है बट आप किसी फाइल को सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ हम चेक करेंगे। देन देखते हैं एडवांस पे। कई बार क्या होता है कि आपका तो ड्रैग का बटन है ये नहीं आ रहा होता जैसे मैं इससे आया थर्ड ऑप्शन इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप अगर ये अनचेक होता है तो ये आपका ड्रैग का ऑप्शन नहीं आता ड्रैग नहीं करता उसको वापस लाने के लिए आपको इसको चेक करना ऊपर वाला जो है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन एंटर दबाते हैं तो नीचे जाता है कर्सर तो राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं भी करवाना चाहते हैं तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं वो वैसे जाते हैं।
कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? चलिए फिर आगे चलते हैं इसमें। ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज डील करनी पड़ती है। किसके रिगार्डिंग सर? यहां से मैं डॉट दबा रहा हूँ, फिर दाबिए पड़ रहा हूँ। हाँ, डॉट ना दबाना पड़े, अपने आप ही ऑटोमेटिक। ओके, तो हाँ, मैंने उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने उठाए सोमिया जी ने, और अभी भी इनका नंबर। एक मिनट, अभी हैंड टू हैंड मैं आपको दे देता हूँ, एक बार फिर लैंड कर ही देता हूँ। ऑलरेडी सेव है, लेकिन अभी मिला ही देता हूँ। बताइए नंबर एक बार, अभी वो फ्री होंगे, वो नंबर बताइए। 7272। आवाज कहाँ से आ रही है? 7276238366। कोई बात नहीं, अभी मैंने म्यूट कर दिया है, और वो अपने आप जो मुझे पूछना होगा तो चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आगे मैं कह रहा था कि अगर आपको डेसिमल ऑटोमेटिक इंसर्ट करनी है, कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शंस में चले गए, हम फ्लोटिंग में चले, ये एडवांस में चले गए, और सेकंड ऑप्शन कर देंगे ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है, जैसे 10.02, तो 1002 डॉलर डॉट नहीं डाला मैंने, अपने आप दो डिजिट को डॉट में, जैसे आपके पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये गलती से ऑप्शन हो तो हटेगा भी। ठीक है, देन इसमें जैसे ग्रिड लाइन का कलर आप देख रहे हैं, अभी ब्लैक में दिखा रहा है, कई लोगों का आपने कलर अलग देखा होगा, रेड कलर वगैरह में देखा होगा, कहाँ से होता है ये रहा ग्रिड लाइन कलर, एडवांस के अंदर ही ग्रिड लाइन कलर है, तो कोई भी ग्रिड लाइन कलर अपने आप दिखा सकते हैं, नहीं करना चाहते हो। बाकी इसमें छोटे मोटे ऑप्शन है जो इतना जरूरी नहीं है, मैं आपको मेन मेन ऑप्शन बता दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें शो ग्रिड लाइन्स वगैरह भी है, ये ऑप्शन आपके बाहर ही होते हैं, जैसे व्यू में जाके शो ग्रिड लाइन्स वगैरह जो है, ये बाकी ऑप्शन आपके बाहर ही होते हैं। अब देखते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या है कि यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, जैसे फिल्टर, क्विक एक्सेल टूल बार, यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे क्विक एक्सेल टूल बार, तो उसमें मैंने दो चीजें कर रखी है, एक पेस्ट एड वैल्यूज को एड कर रखा है यहाँ पे ऐड, और एक इसको कर रखा है फिल्टर पे। तो मैं यहाँ पे अपने शॉर्टकट्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कस्टमाइज में चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसे मान लीजिए फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से लगाना पेस्ट वैल्यू रिमूव कर, अब मैं इसमें लगा देता हूँ, यहाँ पे मेरा कौन सा बटन आना चाहिए, कोई एक ऑप्शन जो कि नहीं होता नॉर्मली, पेस्ट स्पेशल का कर दे, मैं चाहता हूँ पेस्ट स्पेशल यहाँ पे ऊपर आ जाए, तो यहाँ पेस्ट स्पेशल है, कैसे ढूंढेंगे, वैसे होम टैब के अंदर से भी ढूंढ सकते हैं, होम टैब में टैब वाइज ऑप्शन है, और फिर अल्फाबेटिकल इसको MNOP, तो पेस्ट के काफी सारे ऑप्शन हैं इसमें, जैसे पेस्ट स्पेशल ऐड कर दिया, ओके, ठीक है, ये मैंने कर दिया। देन मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, और ये पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है जी, तो ये कस्टमाइज हो जाता है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है,
बच्चा एडिंस कोई भी बीबीए एडिंस वगैरह हम यूज करते हैं तो एडिंस के थ्रू यूज करते हैं। वो में जा यहाँ से एक्सेल ऑप्शन में एडिंस एक्सेल एडिंस है वो, और कोई बीबीए की फाइल हमें एक्टिवेट करनी है तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। एडिंस की फाइल अलग बीबीए से बनती है, तो यहाँ से ऐड करके ओके करके इसके एक्सेल के अंदर ला सकते हैं। काफी एडिशनल ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं एडिंग्स के थ्रू। जब बीबीए का चैप्टर आएगा तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। ट्रस्ट सेंटर, इसमें हमारी सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है, क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए, मैक प्रो चलने चाहिए नहीं चलने चाहिए, इनेबल डिसेबल करने चाहिए, एक्टिव एक्स चलने चाहिए, एक्टर एक्सटर्नल मतलब प्राइवेट टेबल लगा रख के बाहर से डेटा ले रहे तो वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो ये आज आपका था एक्सेल शॉर्टकट्स एंड कस्टमाइजेशन का चैप्टर, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। बाकी के क्लास कल इसी समय स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो आज का सेशन मैं ऑफ करता हूँ। हेलो।